प्लान किया कि ठीक है अब मुझे बेबी नहीं चाहिए, तो फिर मैंने अबॉर्शन के लिए सोचा। एंड देन फिर उसके बाद में आया अबॉर्शन किट कि कितने दिन बाद में हमें ब्लीडिंग होती है, और जब आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो आपको बोलेंगे कि हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अबॉर्शन किट लेने के कितने दिन बाद तक ब्लीडिंग होती है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। जब मेरा अबॉर्शन हुआ था तब मैंने डॉक्टर से पूछा था, एंड बहुत सीरियसली जितना प्रेगनेंसी में क्वेश्चंस होते हैं, हम प्रेगनेंसी के लिए बहुत एंग्शियस और एक्साइटेड होते हैं, उतना ही हमें अंदर डर लगता है फॉर अबॉर्शन ऑल्सो, कि अबॉर्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या ऐसे बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, कोई आगे कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि अबॉर्शन किट लेने के कितने दिन बाद तक हमें ब्लीडिंग होती है। सो आज इस चीज़ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जब मैंने प्लान किया कि ठीक है अब मुझे बेबी नहीं चाहिए, तो फिर मैंने अबॉर्शन के लिए सोचा। एंड देन फिर उसके बाद में आई वेंट टू द डॉक्टर, एंड फिर उन्होंने अबॉर्शन किट मुझे दी, प्रिस्क्राइब किया था कि आप ये जो अबॉर्शन जो किट होती है, जिसे अनवांटेड पिल्स वगैरह भी बोलते हैं, वो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब की थी क्योंकि मेरी अर्ली प्रेगनेंसी थी। अब अबॉर्शन किट कब लेनी होती है आप के वीक्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो आप अबॉर्शन किट को ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने बाद में आपका कभी माइंड मेकअप होता है 2 महीने 2.5 महीने के आसपास में कि तब हम किट ले लें, तो इस तरीके से नहीं होता है। तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, एंड देन फिर उसके बाद में देखा जाता है कि बच्चा कितना बड़ा है, और तब डीएनसी होती है। अब बात करते हैं कि अबॉर्शन किट कि कितने दिन बाद में हमें ब्लीडिंग होती है। सो बेसिकली जो मैंने यही सवाल अपनी डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपके प्रेगनेंसी के वीक्स कितने। अगर 4-5-6 वीक्स से पहले पहले की प्रेगनेंसी है तो आप अपनी अबॉर्शन किट लीजिए, और आपको एक दिन ब्लीडिंग हो सकती है डिपेंडिंग कि आपका बेबी का जो फॉर्मेशन है वो कितना है, कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक दिन आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, 3-4 दिन हो सकती है, 8 दिन हो सकती है। सो डिपेंड करता है कि वीक्स कितने हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक्स कितने हैं। और जब आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो आपको बोलेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ टिश्यूज़ निकलते हैं, कुछ वाइट कलर के कुछ टुकड़ों में टिश्यूज़ निकलता है, कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ हैवी सा योक टाइप फॉर्मेशन, बड़ा वाइट डिस्चार्ज टाइप का थिक क्लॉट इस तरीके से फॉर्मेशन में निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगातार 1 दिन 2 दिन या 7-8 दिन अगर ब्लीडिंग होती है कॉन्टिन्यूसली, थोड़ी 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 करके 7-8 दिन के बाद में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट कि आपका जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर उसके बाद में भी कि आपको 10 दिन हो गए हैं तो लगातार थोड़ी 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 ब्लीडिंग होते हो, और उसके बाद में भी आपको ब्लीडिंग होती रहती है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपकी ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, कभी कुछ स्पॉट आ रहे हैं, थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, इस तरीके का अगर आपको 10 से 15 दिन चलता रहता है, देन यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। और फिर उसके बाद में वो आपको सोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, एंड देन फिर पता चलेगा कि आपकी जो वूम के अंदर कुछ रह तो नहीं गया है, यानी कि कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो रह तो नहीं गए हैं। और फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या डीएनसी की ज़रूरत है या नहीं है। बट क्लैरिटी तभी पता चलती है जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है। सो ब्लीडिंग अबॉर्शन किट में किट लेने के बाद में 1 दिन भी हो सकती है, 3-4 दिन भी रह सकती है, 8-10 दिन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वीक्स कितने होते हैं। सो दिस वॉज द आंसर विच आई गॉट फ्रॉम माई डॉक्टर। एंड जो मुझे ब्लीडिंग हुई थी वो 2 दिन रही थी, 1 दिन तो तब था जब मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह ली, उसके दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा हल्का लगा कि कुछ हैवीनेस सा फील हो रहा है, देन फिर व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम
तब टिश्यूज़ मैंने कुछ कुछ टिश्यूज़ जो थे एम्ब्रियो के जो टिश्यूज़ थे वो कुछ कुछ पीसेस में बाहर निकलते हुए वो देखे। एंड देन आई टोल्ड माई डॉक्टर कि मुझे जो है, मैं जब यूरिन पास कर रही थी, मुझे यूरिन पास करते करते मैं हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई एंड देन फिर उसके बाद में मुझे वो उस तरीके के टिश्यूज़ हुए। और दूसरे दिन बहुत स्पॉटिंग, हल्की बहुत माइल्ड ब्लीडिंग हुई थी एंड देन फिर उसके बाद में मुझे पूरे एक महीने तक कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। उसके बाद में मेरा जो नॉर्मल जो पीरियड्स थे वो आने शुरू हो गए। तो अबॉर्शन का जो ब्लड है वो आपको एक दिन से लेकर 7 से 8 दिन तक रह सकता है और वो उसमें 7 से 8 दिन हो सकता है आपको कॉन्टिन्यूसली थोड़ी 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 ब्लीडिंग हो। इसका मतलब ये है कि बॉडी का अपना भी एक मेकैनिज़म होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं आपने अबॉर्शन कराया है तो उसको इंटरनली भी बाहर निकाले, वो ज़्यादा देर तक ठहरने नहीं देता। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है 8 दिन या 10 दिन से ज़्यादा हो रही है और आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली होए चली जा रही है, 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए और आपको लगातार हो रही है, तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें और उनको ये बताएं। देन फिर उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करके ये पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ टिश्यूज़ रह तो नहीं गए हैं, और अगर रह गए हैं देन फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो हैं वो उस पर एक्शन लेके एंड देन फिर उसके बाद में या तो DNC करेंगे या फिर और जो प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंगली वो उस समय आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि अब हम ये चीज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट अपने साथ मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।